बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट की आपको बताई हुई है। जरा एक बार कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के? वेरिएबल वैलेंसी वाला सर चल रहा था वेरिएबल सर। वैलेंसी वाला लास्ट था। अच्छा, वेरिएबल वैलेंसी वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस हुआ था लास्ट, जी सर। यस सर। जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि लैंथनाइड्स के लिए जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। वैसे लैंथनाइड्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी एक्वायर करते हैं, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में वो अनस्टेबल होंगे। तो अगर +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये +3 में कन्वर्ट होना चाहेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और +4 के फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो ये रिड्यूस होकर के +3 में कन्वर्ट होंगे, तो फिर ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ये पॉइंट डिस्कस किया था, यस सर। यस ठीक है। इसी में आप एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लो, लिखो एक्टिनाइड्स, या ये एक अलग पॉइंट बना करके आप लिख लो, एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे आपने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर के उनके ओल्ड ग्रुप नंबर तक जाती है, तो वैसी ही वेरिएबिलिटी एक्टिनाइड्स के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑब्जर्व होती है। उतना वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखो तो ये लैंथेनाइड्स के केस में नहीं ऑब्जर्व होता है। लैंथेनाइड्स के लिए तो +3 एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और रेयरली ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स में वैसा ही वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है जैसा ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों है, तो इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे जो N-2F और N-1D इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये NS इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर एक N-2F बार पॉइंट रिपीट कर दो। स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दूं, यस सर। चलो नोट कर लो, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनाइड्स पजेस वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के अपना जो ओल्ड ग्रुप नंबर है ओल्ड ग्रुप नंबर के बराबर की ऑक्सीडेशन स्टेट को वो एक्वायर कर सकते हैं, तो वैसा ही वेरिएशन यहाँ पे एक्टिनाइड्स के केस में भी ऑब्जर्व होता है। और इसके पीछे वजह यह होती है कि एक्टिनाइड्स के केस में जो एनएस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, N-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और N-2f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, ये एक साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं बिकॉज इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से एनएस, N-1d और N-2f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अगला पॉइंट लिखो, लिखो देयर आयंस एंड कंपाउंड्स, देयर आयंस एंड कंपाउंड्स
their ions and compounds are generally paramagnetic and colored. Their ions and compounds are generally paramagnetic and colored. Their ions and compounds are generally paramagnetic and colored. ठीक है, तो इनके जो आयंस हैं और इनके जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर आपको पैरामैग्नेटिक मिलेंगे और कलर्ड मिलेंगे, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और डी और एफ ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पे कंपाउंड कलर्ड होता है और ऐसा यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्या है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नोट करो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लिखो इसके बारे में बेटा। लिखो द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस लीनियरली। The size of element decreases linearly as we move from left to right, as we move from left to right in a period of F block। आगे लिखो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब तो आराम से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से अब करना और मैं कि नहीं लेट से क्लास को ज्वाइन कर रहे हो। स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, नेटवर्क चला गया था। हाँ कौन है भाई? कुछ सहारन अपना माइक बंद करो भाई। नहीं एक मिनट, ये था कौन? कुछ ही था ये। अजीब स्टाइल से जो है बोल रहा है। घर पे बात कर रहा था सर। अच्छा। नहीं सर, वो मैं चैट रीड कर रहा था। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों की फरमाइश पे। चलो नोट करो, द साइज ऑफ एलिमेंट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में लिखवा रहा हूं, द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस लीनियरली। द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस लीनियरली, द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस लीनियरली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव From left to right, as we move from left to right, as we move from left to right in a period of F block, in a period of F block, in a period of F block, आगे लिखो, this effect is also observed. This effect is also observed
on d and p block element on d and p block element this effect is also observed on d and p block element coming after the f block element coming after the f block element मतलब f block element के आगे जो d और p block element observe होते हैं उनके ऊपर भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है. आगे लिखो this phenomena is termed as lanthanoid contraction. This phenomena is termed as lanthanoid contraction. This phenomena is termed as lanthanoid contraction. ठीक है, अब जरा देखो यहां पे. अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज और एटॉमिक नंबर के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियड है, जैसे लैंथेनाइड्स के केस में अगर आप देखो तो लैंथेनाइड्स के केस में साइज जो है ऐसे लीनियरली वेरी करता है, मतलब लीनियरली डिक्रीज करता है. एक्टिनाइड्स में भी ऐसा ही डिक्रीज देखने को मिलता है. तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज है, ठीक है, एटॉमिक बढ़ने के साथ जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑब्जर्व होता है इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं. जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑब्जर्व होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं. जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन ऑब्जर्व होता है वैसे ही एक्टिनॉयड कॉन्ट्रेक्शन भी ऑब्जर्व होता है. तो अब देखो, आपको पता है कि लैंथेनाइड्स का लैंथेनाइड्स के एटॉमिक नंबर की रेंज क्या है. एटॉमिक नंबर 58 एटॉमिक नंबर टू 71 एटॉमिक नंबर, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइड्स बोले जाते हैं. अब 71 से अगर आप आगे मूव करो 72 ऑनवर्ड्स, एटॉमिक नंबर 72 ऑनवर्ड्स, ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. 72, 73, 74 ये सारे एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है. अब देखो, इसी एटॉमिक नंबर की सीरीज में ऑस्मियम आता है और इसी एटॉमिक नंबर की सीरीज में इरिडियम आता है, इसी सीरीज में गोल्ड और प्लैटिनम भी आते हैं. ये जो 72 से लेकर के 80 एटॉमिक नंबर तक अगर आप देखो, 72 से 80 एटॉमिक नंबर होता है मरकरी का. तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप देखो तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और यहीं पे जो दो मोस्ट डेंस एलिमेंट है वो मिलते हैं, इरिडियम और ऑस्मियम, इसी सीरीज में बीच में आते हैं. तो बात आती है कि यहां पे मैक्सिमम डेंसिटी क्यों ऑब्जर्व हो रही है. तो अब ये तो आपको पता ही है कि भाई अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक मास तो लगातार बढ़ता जा रहा है, एलिमेंट का एटॉमिक मास लगातार इंक्रीज करता जा रहा है और आप देख रहे हो कि एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है. तो मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होती है. तो यहां पे मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अगर मास बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा तो नेचुरल सी बात है डेंसिटी इंक्रीज करेगी. यस सर, इसलिए यहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑब्जर्व होती है और मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो इरिडियम के केस में मिलती है. सेकंड मोस्ट डेंस एलिमेंट ऑस्मियम होता है. इनफैक्ट अगर आप गोल्ड और ये प्लैटिनम को अगर आप कंसीडर करो तो गोल्ड और प्लैटिनम की डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है. गोल्ड की डेंसिटी लगभग 19.3
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर आप गोल्ड का कंसीडर करो तो उसका मास 19.3 ग्राम के आसपास होता है। 1 मिलीलीटर गोल्ड का वॉल्यूम अगर आप लो तो उसका मास जो है 19.3 ग्राम होता है। जबकि ऑस्मियम की डेंसिटी अगर आप देखोगे तो ऑस्मियम की डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है, जो मैक्सिमम होती है। और इसी पीरियड में जो सबसे ज्यादा डेंस लिक्विड है वो भी मिलता है मरकरी। लिक्विड्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी मरकरी की होती है और वो कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सारा जो हाई, ये जो हाई डेंसिटी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है उसके पीछे कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात समझ आई सबको? यस सर। यस सर। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये ब्लॉक वाइज स्टडी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। IUPAC नॉमनक्लेचर, IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट, IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। Having atomic number greater than or equal to 100, ठीक है। तो अब इस बात को समझने के लिए आपको पहले इन नेम्स को समझना पड़ेगा। जैसे अगर जीरो है तो जीरो के लिए लिखते हैं निल, जीरो के लिए निल लिखते हैं। वन के लिए लिखते हैं यूनि, टू के लिए लिखते हैं बाई, ठीक है। थ्री के लिए लिखते हैं ट्राई, फोर के लिए लिखते हैं क्वाड, फाइव के लिए लिखते हैं पेंट, सिक्स के लिए लिखते हैं हेक्स, सेवन के लिए लिखते हैं सेप्ट, 8 के लिए लिखते हैं ऑक, 9 के लिए लिखते हैं एन, 9 नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लिखते हैं वहां पे ये 4 के लिए क्वाड की जगह पे टेट्रा यूज किया जाता है, यहां पे क्वाड की जगह पे, ठीक है, यहां पे टेट्रा यूज करते हैं, नहीं इसके लिए ब्यूट यूज करते हैं, मैं डेट्स बोलता हूँ, ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट। और एन लिखता है, हाँ क्या बोल रहे हैं, एन लिखता ना इनका, हाँ ई डबल एन एन। अच्छा और क्या होता है वहां पे, हम 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, इधर सेप्ट लिख रहे हैं, वहां पे 7 के लिए सेप्ट लिखते हैं, मतलब इधर सेप्ट लिख रहे हैं उधर हेप्ट लिखते हैं, और 9 के लिए वहां पे नोन लिखते हैं एन ओ एन, और यहां पे एन लिख रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेज हैं, इसको ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। This phenomena is termed as lanthanide contraction. Organic chemistry में अब मैं आपको बता देता हूं, जीरो के लिए तो खैर वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती है, वन के लिए वहां पर लिखते हैं मेथ, टू के लिए लिखते हैं एथ, थ्री के लिए लिखते हैं, ठीक है, फोर के लिए लिखते हैं ब्यूट, फाइव के लिए पेंट लिखते हैं, सिक्स के लिए हेक्स लिखते हैं, सेवन के लिए हेप्ट लिखते हैं, एट के लिए ऑक्ट लिखते हैं, नाइन के लिए नोन लिखते हैं।
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते हैं। यहां पे हमें ये लिखना है निल यूनि बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट एन। अब जैसे देखो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है, 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नेम और सिंबल हमें लिखना है, तो अब देखो कैसे लिखेंगे। 100 में यहां पे तीन नंबर है 100। अब इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, 1 के लिए अन हो गया, लास्ट का आई हटा देते हैं अन, 0 के लिए निल, फिर 0 है तो उसके लिए निल, और लास्ट में हमेशा लिखेंगे आई यू एन। यानी कि एटॉमिक नंबर 100 वाला जो एलिमेंट है उसका नेम क्या हो जाएगा, अन निल निलियम, अन निल निलियम, ये इसका नेम हो जाएगा अन निल निलियम। और इसका सिंबल जो हम यहां पे लिखेंगे, इसका सिंबल होगा फर्स्ट लेटर जो सिंबल का है वो कैपिटल से, उसके बाद दो नंबर है तो एन एन यू एन एन यू एन एन, ये एटॉमिक नंबर 100 वाले एलिमेंट का ये सिंबल होगा यू एन एन, और उसका नेम होगा अनिल निलियम। इसी तरीके से अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है तो अब उसके लिए क्या लिखेंगे नेम, अनिल यूनियम, अनिल यूनियम, ठीक है। यानी कि सिंबल हो जाएगा यू एन यू। अब इसी तरीके से अगर एटॉमिक नंबर, अगर मान लो एटॉमिक नंबर है 107, इसका नेम क्या लिखोगे, अन निल सेप्टियम, अन निल सेप्टियम, सिंबल हो जाएगा यू एन। अगर मान लो एटॉमिक नंबर हमने कंसीडर किया 115, एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा, अन पेंटियम। यानी कि सिंबल हो जाएगा यू यू पी। इस तरीके से 100 या 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनका आप नेम और सिंबल लिख सकते हो। ये समझ में आ गया बेटा सबको? सर यस सर। हाँ बोलो सर। सिंबल वाला बताना एक बार, सिंबल कैसे डिसाइड करना? अरे जैसे हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट जो नंबर है वो 1 है, 1 के लिए अन लिखा तो अन का यू ले लिया। सेकंड नंबर जो यहाँ पे 0 है तो उसका उसके लिए निल लिखा तो निल का एन ले लिया, ऐसे यहाँ आपसे एन ले लिया। अलग से जो नेम है वो तो बाद में जो है डिफाइन किए गए, जब ये एलिमेंट्स अननोन थे उस समय जो है इस IUPAC नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में तो जिसने भी लेबोरेटरी में उसको डिस्कवर किया जो है उस एलिमेंट को सिंथेसाइज किया, क्योंकि ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं तो लेबोरेटरी में जिसने भी सिंथेसाइज किया उसको जो नेम ठीक लगा उसने उस बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर दिया। अब आप लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी एंड मैजिक नंबर्स।
पीरियोडिसिटी एंड मैजिक नंबर्स लिखो। लिखो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। आगे लिखो एंड द नंबर्स, एंड द नंबर्स आफ्टर विच, एंड द नंबर्स आफ्टर विच, एंड द नंबर्स आफ्टर विच दीज रिपीटेड प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड, एंड द नंबर्स आफ्टर विच दीज रिपीटेड प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड, एंड द नंबर्स आफ्टर विच दीज रिपीटेड प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। अब आप लिखो वेरियस मैजिक नंबर्स आर, वेरियस मैजिक नंबर्स आर टू, एट, एट, 18, 18 एंड 32। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? ये मैजिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर में इतना इंक्रीमेंट होने के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में रिपीटेशन देखने को मिलता है, इसीलिए इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स बोला जाता है। हाँ बोलो सर, एक बार रिपीट कर देना, डिस्कनेक्ट हो गए। अरे भाई तुम लोग बार बार ऐसे डिस्कनेक्ट होते रहोगे, फिर मैं रिपीट करता रहूंगा, फिर तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर रिपीट करता रहूंगा, कितना टाइम खराब होता है। बाद में तुम चाहो तो जो खाली उतने देर का लेक्चर देख करके कवर कर सकते, थोड़ा इतना समझा करो। अब तुमने अभी डिमांड किया तो अभी तो तुम्हारी इच्छा में रखूंगा, लेकिन मैं आगे से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा ही करोगे जैसा मैं बता रहा हूं। पीरियोडिसिटी एंड मैजिक नंबर्स की डिफिनीशन बोल रहा हूं, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, repetition of properties of elements after certain regular interval is called periodicity, is called periodicity. And the numbers, and the numbers after which, and the numbers after which these repeated properties are observed, and the numbers after which these repeated properties are observed are called magic numbers, are called magic numbers. फिर मैंने बताया various magic numbers, तो ये numbers magic number बोले जाते हैं जो यहां पे लिखे हुए। अब आप next heading लिखो periodic properties, periodic properties, अब इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें लिखो वेरियस periodic properties are
various periodic properties of elements are, various periodic properties of elements are, number one, valency and oxidation state. Number two, shielding effect. And effective nuclear charge. Number three, atomic size. Size of atom, yeah, atomic size. Number four, ionization energy. Ionization energy. मैं यहाँ पे उन periodic properties की list दे रहा हूँ जिनको हमें discuss करना है. Ionization energy. Number five, electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. And electron affinity. दोनों में slight difference है, इसलिए दोनों नेम मैं अलग अलग लिखता हूं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नंबर सिक्स, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. नंबर सेवन, मेटालिक metallic and non-metallic nature. Metallic and non-metallic nature, yeah, character. Number eight, density. Number nine, hydration enthalpy. तो ये कुछ periodic properties हैं जिनको हमें इस chapter में discuss करना है. ठीक है, total 9 properties हैं. अगर हम इनमें जो important properties हैं उनको consider करें तो सबसे important periodic property है shielding effect and effective nuclear charge. क्योंकि उसी के बेसिस पे बाकी प्रॉपर्टीज की भी एनालिसिस होती है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. लेकिन क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो एटॉमिक साइज पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, ये चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जहां से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं. एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये चार पे आपको अच्छे से कमांड करना है. तो आप फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट. वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट.
नोट करो। वैलेंसी क्या होती है भाई? व्हाट इज वैलेंसी? माइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। लिख लो, लिखो, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। आगे लिखो, वेयर कंबाइनिंग पावर इज डिफाइंड, वेयर कंबाइनिंग पावर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, वेयर कंबाइनिंग पावर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन, इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन। अगे इसी में लिखो, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, valency of element is always fixed, valency of element is always fixed। तो ये तो बात हो गई वैलेंसी की, जिसमें ये बोला गया कि वैलेंसी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है। हाँ बोलो भाई, रिपीट करना? नहीं अब रिपीट नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब ये काम आप खुद करना। जब एक बार बोल दिया तो उसको बात को समझ लिया करो। तीन बार मैं वैसे ही स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं। yes। तो वैलेंसी की के बारे में मैंने क्या बताया? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। फिर बात आती है कंबाइनिंग पावर क्या होती है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या वो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन को अचीव करने के लिए, वही उसका कंबाइनिंग पावर। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करता है, ये उसका कंबाइनिंग पावर है। और उसी कंबाइनिंग पावर को वैलेंसी बोलते हैं। बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आप नोट करो, पैरा चेंज करके लिखो, लिखो द रियल और इमेजिनरी चार्ज, द रियल और इमेजिनरी चार्ज, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इनसाइड अ मॉलिक्यूल, द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इनसाइड अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इज कॉल्ड its oxidation state, is called its oxidation state। आगे लिखो इसी में,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज जनरली वेरिएबल. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज जनरली वेरिएबल एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर एल्काली मेटल्स, एक्सेप्ट फॉर एल्काली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फ्लोरीन एटसेट्रा. तो एल्काली मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस वन होती है, एल्कलाइन अर्थ के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस टू होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस वन होती है. तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, बाकी ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होती है, वेरी करती है. ठीक है, अब देखो बात आती है कि वेरिएशन कैसे होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का या वैलेंसी का इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड. तो आप नोट कर लो, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप तो इसमें लिखो बेटा, इन अ ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, इन अ ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड, इन अ ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड, इन अ ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू आइदर ग्रुप नंबर, एंड इट इज इक्वल टू आइदर ग्रुप नंबर और ग्रुप नंबर माइनस टू, और ग्रुप नंबर माइनस टू और एट माइनस ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर और ग्रुप नंबर माइनस टू और एट माइनस ग्रुप नंबर. तो अब आप एक टेबल बना करके इसको लिख सकते हो, जैसे एक कॉलम मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, कॉलम बोलो या रो बोलो, ग्रुप नंबर और दूसरी रो जो है वैलेंसी. ठीक है, अगर हम ग्रुप नंबर कंसीडर करते हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, तो यहां पे वैलेंसी है वन. अगर हम ग्रुप नंबर लेते हैं सेकेंड ए, तो यहां पे वैलेंसी है टू. अगर हम ग्रुप नंबर कंसीडर करते हैं थर्ड ए, ठीक है, जो नॉर्मल एलिमेंट्स है उन्हीं के लिए सारी चीज डिस्कस हो रही है, थ्री और वन. अगर हम कंसीडर करते हैं फोर्थ ए, इनके लिए वैलेंसी होती है फोर और टू. फिफ्थ ए, इनके लिए वैलेंसी होती है फाइव और थ्री. सिक्स्थ ए, इनके लिए वैलेंसी होती है सिक्स और फोर और टू, सिक्स और फोर और टू. अगर हम कंसीडर करते हैं सेवेंथ ए को, सेवेंथ ए के लिए वैलेंसी होती है सेवन और फाइव और थ्री और वन. वन वैलेंसी यहां पे एट माइनस ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग है, सेवन वैलेंसी ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग है, और ग्रुप नंबर माइनस टू के करस्पॉन्डिंग फाइव है. एक वैलेंसी यहां पे थ्री भी ऑब्जर्व होती है. तो एक ग्रुप में अगर आप देखोगे तो एक ग्रुप में वैलेंसी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है.
अब आप लिखो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड. एक मिनट रुक जाओ. लिख लो ये हेडिंग. वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड. हाँ बोलो बेटा. सर एक ग्रुप में एक कोई भी एक एलिमेंट का की वैलेंसी कौन सी होगी ये कैसे पता चलेगा? उस तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो लाइटर एलिमेंट है फॉर एग्जांपल अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे वेरिएबल है वहीं पे कंफ्यूजन है ना. जहां पे फिक्स है एक ही वैलेंसी है वहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. yes. तो अब जैसे थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए को कंसीडर करो तो जो लाइटर एलिमेंट होगा उसके लिए हायर वैलेंसी स्टेबल होगी और हैवियर एलिमेंट के लिए लोअर वैलेंसी जो हैवीएस्ट एलिमेंट है. yes. सर सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप में. सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे इनका जो एट माइनस ग्रुप नंबर वाली जो वैलेंसी है एट माइनस ग्रुप नंबर वाली वैलेंसी ये कॉमन वैलेंसी होती है. सब दिखाते हैं इसको. ठीक है एट माइनस ग्रुप नंबर वाली वैलेंसी जैसे टू है सिक्स्थ ए में ये टू वैलेंसी ऑक्सीजन भी दिखाता सल्फर भी दिखाता सेलिनियम भी दिखाता टेल्यूरियम भी दिखाता. ऐसे ही सेवेंथ ए में वन वैलेंसी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब दिखाते हैं. लेकिन जो ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी है अगर ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी को देखे तो फ्लोरीन नहीं दिखाता इधर ऑक्सीजन नहीं दिखाता सिक्स वैलेंसी ऑक्सीजन नहीं दिखाता सेवन वैलेंसी फ्लोरीन नहीं दिखाता. तो जो लाइटर एलिमेंट है उसमें एबनॉर्मलिटी है. अब आगे धीरे धीरे करके आप और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपको अपने आप आइडिया लगेगा. तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये कहीं पे वायलेट होती है ना कि एक फिक्स नहीं होती वैलेंसी. नहीं फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये चार नंबर है यही फिक्स है. समझा कि नहीं यही जैसे सिक्स में सिक्स फोर टू यही तीन वैल्यूज होंगी इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती. Okay. ये फिक्स का मतलब है यहाँ पे. अब आप लिखो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. Valency with respect to oxygen increases from 1 to 7. Increases from 1 to 7. Valency with respect to oxygen increases from 1 to 7. जैसे अगर देखो oxide और valency. तो Na2O, MgO. सर वैलेंसी इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस. हाँ वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 7. Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. अब यहां पे अगर आप वैलेंसी देखोगे तो सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5, सल्फर की 6, क्लोरीन की 7. मैंने पीछे बताया भी था ये कैसे आता है. यस सर ये बताया. यस सर. तो अब अगर आप यहां पे एक कर्व ड्रॉ करो वैलेंसी
विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड एटॉमिक नंबर के बीच में। तो ऐसा करो, ऑब्जर्व करो, ये वेरी करेगा फ्रॉम 1 to 7। ये सर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है ना? हाँ, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इसी तरीके से लिखो, इसी ये वेरिएशन इन पीरियड में लिखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, valency with respect to hydrogen, valency with respect to hydrogen first increases from 1 to 4, valency with respect to hydrogen first increases from 1 to 4 and then decreases to 1 and then decreases to 1. So hydride or valency ke beech mein agar yahan pe hum dekhe hain to pehle hydride sodium ka NaH hai, magnesium ka MgH2 hai, एल्यूमिनियम का AlS3 है, ठीक है, सिलिकॉन का SiH4 है, फास्फोरस का PH3 है, सल्फर का H2S है और क्लोरीन का HCl है। तो अब आप यहां पे देख सकते हो वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1। पहले वैलेंसी आप देख रहे हो कि इंक्रीज करके 1 to 4 गई और फिर डिक्रीज करके वापस 1 पे आ गई। आ रहा है समझ में? यस सर। यस, तो यहां पे अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। ये हो गया वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस यस। अब आप लिखो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ग्राफ दिखाना सर एक बार। सर ये डिक्रीज के बाद फिर से इंक्रीज होनी शुरू कर देती है ना जिन पीरियड में, जैसे 18 एलिमेंट। इसकी बात कर रहे हो? हाइड्रोजन से रिलेटेड हाइड्रोजन। यस सर। हां, तो पहले पहले इंक्रीज कर रही है और फिर बाद में डिक्रीज करती है, सारे पीरियड में होता है। मतलब डिक्रीज करने के बाद फिर से इंक्रीज करेगी ना? नहीं नहीं, फिर से इंक्रीज करने का मतलब क्या है? पीरियड तो खत्म हो गया, फिर आगे जा करके उसके बाद तो नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई, सोडियम से क्लोरीन तक पहुंच गए, नोबल गैस का कोई मतलब ही नहीं है,
फिर तो नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ना और आगे जाओगे तो। यस नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो सर, जो 18 एलिमेंट्स वाले पीरियड है उसमें क्या है? यस सर, वो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये सब एनालिसिस नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया, नॉर्मल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो, शील्डिंग। इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर का यही है, सबसे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन यही है। इसी कॉन्सेप्ट को जो आप यहां पे सीखोगे वही कॉन्सेप्ट आगे बाकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनकी एनालिसिस के लिए यूज होंगे। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भले कम पूछे जाएं, लेकिन क्योंकि ये बेस बनाता है कॉन्सेप्ट का, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैं बोलता हूं। अब देखो बात आती है ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो नोट करो जरा इसके बारे में। देखो अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम is attracted by the nucleus and repelled by the inner electrons repelled by the inner electrons। आगे लिखो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन On the valence electron is such that the valence electron experiences, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the combined effect of this attractive and repulsive force, the combined effect of this attractive and repulsive force on the valence electron is such that the valence electron experiences less attraction from the nucleus.
आगे लिखो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो अब जरा देखो बेटा यहां पे क्या बोला जा रहा है. बोला कि अगर हम एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो एटम का न्यूक्लियस है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. न्यूक्लियस की वजह से उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. बाकी उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं. न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं. अब इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का नेट रिजल्ट क्या है? बोला इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का नेट रिजल्ट ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का वो कम हो जाता है. नेट अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम फील होता है न्यूक्लियस का. तो इसी फिनोमिना को हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्टिव फोर्स कम फील हो रहा है इसी फिनोमिना को शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो ये समझ में आया शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? Yes, sir. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो फिजिकली, जैसे अभी बैठे हो इस तरीके से नहीं, जो नॉर्मल क्लास होती है, आप वहां पे अगर बैठे हुए हो और मान लो कि क्लासरूम में 5 रोज या 7 रोज है बेंचेज की, ठीक है, और वो सारी रोज अगर भरी हुई है और टीचर जो है वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो उस स्टूडेंट को फील होता है जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ. पहली बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको टीचिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा फील होता है. लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है उसको टीचर का जो इफेक्ट है, टीचिंग इफेक्ट है, वो कम फील होता है. अब उसके पीछे वजह ये होती है कि टीचर और लास्ट बेंच वाला जो स्टूडेंट है उसके बीच में जो रोज है, उन रोज में बैठे हुए स्टूडेंट्स अगर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वो डिस्टरबेंस से पीछे बैठे हुए स्टूडेंट का कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्टेड होता है. वो उतना इफेक्टिवली क्लास में फोकस नहीं कर पाता है बिकॉज उसका जो अटेंशन है वो बराबर डाइवर्ट हो रहा है बीच में बैठे हुए स्टूडेंट्स की एक्टिविटी की वजह से. तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट है उसको टीचर का इफेक्ट सबसे कम फील हो रहा है और फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट को टीचर का इफेक्ट सबसे ज्यादा फील हो रहा है. यहाँ पे टीचर का जो टीचिंग इफेक्ट है वो अगर हम एक एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का. इधर टीचर की जगह पे वहां क्या है? न्यूक्लियस. और स्टूडेंट की जगह पे वहां क्या है? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम होगा. ये अट्रैक्टिव फोर्स सिर्फ इस वजह से नहीं डिक्रीज कर रहा है कि वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, बल्कि इसलिए भी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनका रिपल्सिव फोर्स भी उस अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज कर रहा है. बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर. तो ये तो बात हो गई शील्डिंग इफेक्ट की. अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. तो आप नोट करो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसकी डेफिनेशन लिखो द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज
the actual nuclear charge, the actual nuclear charge experienced by valence electron, the actual nuclear charge experienced by valence electron, the actual nuclear charge experienced by valence electron in a multi-electronic species, in a multi-electronic species. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आगे लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z star or Z effective, Z star or Z effective, and this is equal to Z minus sigma. यहां पे जो sigma है इसको shielding और स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करता है. सिग्मा शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जो एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करता है. अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखना इसको अच्छे से. मान लो ये है न्यूक्लियस जिस पे चार्ज है प्लस जेड ई, ठीक है, प्लस जेड ई चार्ज न्यूक्लियस का है. अब देखो यहां पे हम एक बाउंड्री को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहां पे एक बाउंड्री को कंसीडर किया है. और मान लो बोल रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर, अब यहां पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन, ठीक है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन ये आर है. अगर इस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इसके बीच में नहीं है, तो क्या होगा, तब इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE into E divided by R square. ये होता है बेटा? Yes sir. ठीक है? Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE square upon R square. ये होगा. ये नोट कर लिया सबने? यस सर. यस सर. नो सर.
ये जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है ये फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखा हुआ है, फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होगा? ये है न्यूक्लियस, ये वो बाउंड्री है, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस का रेंज है, मतलब उतने ही डिस्टेंस का रेंज है जितने डिस्टेंस पे इससे पहले वाले केस में था, आर इनका सेपरेशन। अब देखो बोल रहा है कि यहां पे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और भी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट, अब देखो होता क्या है, एक तरफ तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह ये न्यूक्लियस है वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको रिपेल कर रहे हैं, इन सब की वजह से यहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व हो रहा है, ये सब इसको रिपेल कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव फोर्स ही इसके ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स और इस रिपल्सिव फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व होगा। तो अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by valence electron मान लो हम इसको एफ ई प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे, एफ ई प्राइम नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ई प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा? यस यस सर। यस सर। अब देखो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा,
this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught z e square upon r square minus 1 upon 4 pi epsilon naught sigma e square upon r square. ये जितने भी अंदर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट हम एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करते हैं. अंदर में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करते हैं. वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ध्यान देना इन सब का इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग हम वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं. वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है उस फोर्स को हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं. अब यही फोर्स जो है ये ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स को कम करता है. तो ये वाला जो टर्म है ये रिपल्सिव फोर्स को अकाउंट करता है और ये वाला जो टर्म है वो अट्रैक्टिव फोर्स को अकाउंट करता है और इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस इंप्लाइज. तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है फिर से रिपीट करो. पहले वाला अट्रैक्टिव फोर्स को अकाउंट करता है और बाद वाला रिपल्सिव फोर्स को अकाउंट करता है. सिग्मा क्या सिग्निफाई करता है? सिग्मा बेसिकली यही शील्डिंग कांस्टेंट है जो रिपल्सिव फोर्स को अकाउंट करता है. नेट रिपल्सिव फोर्स को ये अकाउंट करता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए ना ये सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं उनकी पोजीशन को कंसीडर करते हैं. मतलब वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने दूर हैं कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए सिग्मा को कैलकुलेट किया जाता है. अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं. तो एफ ई प्राइम अगर आप देखो तो एफ ई प्राइम क्या जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड माइनस सिग्मा e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ये लिख सकते हो. क्लियर है बेटा? यस सर. तो फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्टार e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो z स्टार क्या आ जाएगा z माइनस सिग्मा के इक्वल आ जाएगा. तो ये है ये जो जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा का पूरा डेरिवेशन कैसे आता है ये. तो दिस इंप्लाइज जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. अब देखो अगर हमें सिग्मा को कैलकुलेट करना है तो सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस हुए. जैसे बोले कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा क्योंकि वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज लाई कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. अगर इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहा होगा इन कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन जो लेस पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. ये बात समझ में आ रही है सर? एक बार फिर से बताना. एक इलेक्ट्रॉन जो मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहा होगा मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रहा होगा इन कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन लेस पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल.
सर सर मतलब वो उसका मतलब वहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम है तब भी ये ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली जैसे अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंसीडर करते तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें ये बताता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में न्यूक्लियस का क्या चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहे हैं भाई नो डाउट न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो क्या वो जेड प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रहा है या उससे कम प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर रहा है क्योंकि कुछ प्रोटॉनिक चार्ज का इफेक्ट को इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं समझ आया कि नहीं यस सर भाई अगर मान लो कि एटम के न्यूक्लियस में 30 प्रोटॉन्स हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पूरे के पूरे 30 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स को नहीं फील करेगा क्योंकि कुछ प्रोटॉनिक चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स को अंदर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैंसिल कर देता है तो हो सकता है कि 30 प्रोटॉन हो बट वहां पे सिर्फ 22 प्रोटॉन का ही अट्रैक्टिव फोर्स उसको फील हो रहा हो तो जितने प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स उसको फील हो रहा है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हुआ यस तो अब जरा एक स्टेटमेंट लिखो बेटा लिखो एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इन विच एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट As the penetration effect of orbital in which electron is present increases, shielding effect on that electron decreases. शील्डिंग इफेक्ट ऑन रिपीट कर दोगे वो आवाज में क्या हुआ भाई आवाज नहीं आ रही थी एक बार फिर से रिपीट कर दो नेट में दिक्कत हो गई थी एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इंक्रीजेस As the penetration effect of orbital in which electron is present increases, shielding effect on that electron decreases. Shielding effect on that electron decreases. However, shielding effect created by this electron, shielding effect created by this electron for other valence electrons increases. थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड है तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जैसे जैसे उस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो शील्डिंग इफेक्ट है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होगा क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ रहा है जैसे मान लो यहां पे न्यूक्लियस है और इधर ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब ऑर्बिटल कहां जा रहा है न्यूक्लियस के पास जा रहा है
तो अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो एक तरफ तो ये बोल रहा है कि मोर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट कम है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब अपने से आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, खुद पे उस इलेक्ट्रॉन के खुद के ऊपर कम शील्डिंग इफेक्ट है लेकिन वो दूसरे के लिए ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट थर्ड रो में बैठा है और एक स्टूडेंट फिफ्थ रो में बैठा है, ठीक है, एक स्टूडेंट थर्ड रो में बैठा है और एक स्टूडेंट फिफ्थ रो में बैठा है, नेचुरल सी बात है फिफ्थ रो में जो स्टूडेंट बैठा है उस पर ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है। ये समझ में आ रहा है ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्यों है? जो स्टूडेंट थर्ड रो में बैठा है उस पर कम शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन अब जरा देखो जो स्टूडेंट थर्ड रो में बैठा है वो अपने से पीछे की रो वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो फिफ्थ रो में बैठा है वो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ रो के जो स्टूडेंट्स है सिर्फ उनके लिए शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट रो वाले स्टूडेंट के लिए कोई शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। बात समझ में आई? सर अपनी ऑर्बिटल में भी होता है शील्डिंग इफेक्ट सेम है? क्या क्या बोल रहे हैं? सेम ऑर्बिटल में भी होता है? हाँ सेम ऑर्बिटल में भी होता है शील्डिंग इफेक्ट भाई। जैसे तुम मान लो कि फिफ्थ रो में बैठे हुए, फिफ्थ रो में दूसरे भी स्टूडेंट बैठे हुए तो उनसे तुम बात नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो। बात करोगे इसका मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे? यस सर। वही बात है यहाँ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, जैसे मान लो एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च है उसको आपने ऑन किया हुआ है, डार्क रूम है और आप क्या कर रहे हो, एक क्वाइन आपने लिया और उस क्वाइन को आप धीरे 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 करके आप टॉर्च की तरफ ला रहे हो, तो जैसे जैसे क्वाइन टॉर्च की तरफ आता है क्या होता है, बैकग्राउंड में जो शैडो है शैडो का साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो जो शैडो का साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब वो क्या इंडिकेट करता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा। अब इसका जो फर्दर डिटेल है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय सर। गुड आफ्टरनून सर। बाय बेटा। बाय।